हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में तुहानू सारयां नू साडे वल्लों सलाम मिले। प्रभु जी अज इस साल दा लास्ट वाला संडे है, मेरे नाल गल कर प्रभु, मेरी कमियां ते घटियां बारे गल करो। मैनूं तुसीं की सिखाना चाहुंदे हो, आज अपने वचन के द्वारा सिखाओ। प्रभु जी हुण तक तुसीं आराधना नूं अपने हत्थां विच लैके चलाया, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। अपने स्वर्ग राज विच कबूल कर लो। हुण पिता जी तुहाडे बच्चे तुहाडे वचन नूं सुनना चाहुंदे ने। आओ प्रभु जी अपने बच्चिआं नाल गल्लबात करो। अपने दास दासी नूं अपने आत्मा दे मसा नाल चलाओ, ताकि पिता परमेश्वर तुहाडी स्वर्गीय वाणी तुहाडे बच्चिआं तक तुहाडे लोकां तक पहुंच सके, और तुहाडी महिमा तुहाडे बच्चिआं द्वारा होण पावे। सारे साउंड सिस्टम नूं, नैटवर्क सिस्टम नूं तुहाडे सामर्थी हत्थां विच दिंदे आ। प्रभु यीशु दे नाम विच मंगदे आ पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। और नीचे परमेश्वर आज दे वचन द्वारा तुहानू बड़ी बरकत देंगे। जिवें कि मैं पहले ही दस्या कि इस साल दा दिसंबर दा एक लास्ट जिहड़ा संडे है, ते आज बड़ी प्रार्थना दे नाल परमेश्वर दे वचन नू सुनने लई तैयार बैठे हो। देखना परमेश्वर तुहाडे नाल गहरे गहरे भेद प्रगट करेगा। आज दा परमेश्वर ने जो विषय दिता है, यूहन्ना 15 अध्याय उनकी 2 आयत से शुरू करेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। देखो प्रभु यीशु जी की कहते ने कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। दाखलता का मतलब की होया, अच्छी दाखल दा मतलब अच्छा वृक्ष, चंगा वृक्ष मैं हुआ, ते मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। जड़ी कोई डाली मेरे पेड़ ते मेरे वृक्ष ते लगी हुई है और नहीं फलती, ते मेरा पिता जड़ा किसान है उसनू कट देता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। ते जड़ी डाली मेरे पेड़ नाल वृक्ष नाल लगे लगे फलदी फूलदी है, यानी कि फल देती है, मेरा पिता जड़ा है उसनू छंडदा है ताकि वो होर फले। आज दा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने की किया, जड़ी कोई डाली मेरे नाल लगी हुई है, जड़ी कोई डाली मेरे नाल जुड़ी हुई है, जेकर वो डाली फल नहीं देती, मेरा पिता उसनु की कर देता है, उसनु कट देता है। हालेलुया। इसका आत्मिक मतलब की बने, जड़ा कोई व्यक्ति, जड़ा कोई इंसान मेरे विच है, यानी कि जड़ा कोई इंसान मेरा कहलाता है, जड़ा कोई इंसान, जड़ा कोई विश्वासी मेनु अपना पिता, मेनु अपना परमेश्वर, मेनु अपना प्रभु कह के जानता है, समझता है, जे करो इंसान मेनु फल नहीं देता, यानी कि मेरे अनुसार नहीं चलता, यानी कि वो अपने जीवन दे द्वारा मेनु फल नहीं देता, यानी कि अपने जीवन द्वारा मेरी महिमा नहीं करता, यानी कहना मतलब कि अपने जीवन नु मेरे अनुसार, मेरे वचन अनुसार नहीं चलांदा,
चलाता, अपने जीवन नु मेरे वचन के अनुसार नहीं चलाता, यानी कि अपने जीवन नु मेरी खुशी के अनुसार नहीं चलाता, यानी कि अपने जीवन तो मेरे नाम नु ऊंचा नहीं करता, अपने जीवन तो मेरे नाम नु महिमा नहीं देता। जे वो कहलांदा मेरा है, जेकर मेरे वृक्ष दे नाल वो डाली लगी हुई है ते वो फल मैनू नहीं देती, मेरा पिता उसनु की कर देता, उस डाली नु कट देता है, यानी कि उस डाली नू जड़ी फल नहीं देंदी मेरी कहलांदी है, ते मेरा पिता की करदा है, वो किसान जड़ा है वो इस धरती तो उनू नष्ट कर देंदा है, नाश कर देंदा है, उस इंसान दा इस धरती तो नामो निशान मिटा देंदा है। परमेश्वर जी कहंदे कहलांदे तो तुसी मेरे हो, तुसी अपने नामा नू अपने बच्चा दे नाम नू मेरे वचन विचों बाइबल चो रख्या है, अपने बच्चे तुहाडे घर हुंदे उहनां दे नाम रखांदे हो ते प्रभु दे सेवकां नूं कहंदे हो कि बाइबल दे विचों मेरे बच्चिआं दे नाम रखो, कहंदे कि बाइबल विचों मेरे बच्चिआं दे नाम रखो, स्टीफन रखो, पीटर रखो, मरियम रखो, किन्ने लोग संसार विच ऐदां दे जिहड़े कहलांदे तां प्रभु दे ने, जिन्हां दा नाम इस बाइबल विच रख्या गया है, घमंड नाल गल करदे कि असीं तां दादे परदादियां तो ईसाई हां, ते किन्ने लोक घमंड करदे होए गल करदे असीं तां 50 सालों तो प्रभु नूं जाणदे हां, पर जेकर उहनां नूं पुछिआ जावे चर्च क्यों नहीं जांदे, कहिंदे कि असीं तां सारा कुछ ही जाणदे हां। याद रखना जेकर तुसीं प्रभु दे कहलांदे हो ते प्रभु नूं फल नहीं देंदे, प्रभु दे वचना ते नहीं चलते, प्रभु दी इच्छा दे मुताबिक नहीं चलते, प्रभु दे वचना दे मुताबिक नहीं चलते। चेते रखना प्रभु ने की किया, जड़ी डाली मेरे विच है ते फल नहीं देंदी, उस नू मेरा पिता कट देंदा, एक दिन वो लोग कटे जाएंगे जड़े परमेश्वर नू फल नहीं देंदे। अफसोस दी गल, किन्ने लोग किन्ने विश्वासी लोग इस धरती ते ने जड़े परमेश्वर दे कहलांदे ता है, चाहे वो पढ़न वाले बच्चे ने, चाहे वो ड्यूटियां करन वाले लोग ने, चाहे वो कारोबार करन वाले ने, चाहे वो इस देश विच रहन वाले, चाहे विदेशां विच रहन वाले, अफसोस की गल है कि उन्होंने जीवन के द्वारा परमेश्वर फल नहीं मिलता, जड़े प्रभु दे लई कोई भी काम नहीं करता, जिन्हां दे कोल परमेश्वर दा काम करने लई कोई भी समा नहीं, जिन्हां दे कोल परमेश्वर दे लई काम करने लई कोई भी धन पैसा नहीं। याद रखना ऐदा दे लोग कटन लई तैयार हो जाए, ऐदा दे लोगों नूं प्रभु यीशु की कहंदे ने, ओना डालियां नूं जड़ियां फल नहीं देंदियां, मेरा पिता जड़ा किसान है ओना डालियां नूं कट देंदा है, पर जेड़ी डालियां मेरे विच हुंदे हुंदे फल देंदियां है ओना नूं मेरा पिता जड़ा छड़दा है, ताँ कि वह हर फोर फल दे, यानी कि जड़े परमेश्वर दे नाम नूं फल देंदे ने, महिमा देंदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं फल देण दे योग होर बनाउंदा है, परमेश्वर उन्हां नूं होर फल देण दे योग तैयार बनाउंदा है, पर जड़े फल देंदे ने जड़े परमेश्वर दे नाम नूं महिमा देंदे ने, जिन्हां दे कोल परमेश्वर लई समां नहीं, प्रभु यीशु कहंदे ने कि मेरा पिता जड़ा किसान है उन्हां नूं कट देंदा है, क्योंकि ऐदा दी डालियां नूं जिहड़ा पिता परमेश्वर ओह पसंद नहीं करदा, इस तरीके दे लोकां नूं परमेश्वर पसंद नहीं करदा। जेकर
सच पूछो तो आज दे वचन द्वारा मैं तुहानू इक इदां दी स्टोरी इक इदां दा दृष्टांत दसांगा बेशक ऐदा दे लोग वड्डा क्रिसमस दा त्योहार मनांदे ने वड्डे सोहणे सोहणे गीत गांदे ने जो भी तरीक दी रात नूं ही 12 बजे हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस कहना शुरू कर देते जीवन जड़े दुनिया के लोगों की तरह हो जाते जीवन तो परमेश्वर कोई फल नहीं मिलता याद रखो सिर्फ क्रिसमस का दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाना ही काफी नहीं सिर्फ क्रिसमस की वधाई देना ही काफी नहीं जेकर तुहाडे जीवन तो परमेश्वर को फल नहीं मिलता जेकर तुहाडे जीवन तो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती जीवन तो तुहाडी सोच विचारा तो तुहाडी नजरा तो परमेश्वर दे नाम नूं महिमा नहीं मिलती एक दिन वो पिता जड़ा कट देगा हालेलुया पर जड़े लोग जड़े विश्वासी जन परमेश्वर नूं फल देंदे ने तुहाडा जीवन जेकर ऐदा दा कि दूसरे तुहाडे तो बरकत पांदे ने जेकर तुहाडा जीवन ऐदा दा है कि तुहाडे चाल चलन तुहाडे जीवन नूं तुहाडे जीवन दे कम्मां नूं देख के दूसरे लोग आशीष पांदे उहनां दा जीवन बदलदा है तुहाडे जीवन नूं देख के तुहाडे परमेश्वर दी लोग वडियाई करन तां कि तुहाडे जीवन नूं देख के लोग कहण कि देखो परमेश्वर नूं मन्नण वाले लोग किन्ने चंगे हुंदे ने जिवें कि मत्ती 5 अध्याय 16 आयत च लिख्या है ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਿਆਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ताकि लोग तुहाडे पिता दी महिमा करें क्योंकि जेकर तुहाडा जीवन आशीषमय जीवन होएगा जेकर तुहाडा जीवन परमेश्वर दी पसंद दा जीवन होएगा कई तो लोग उस जीवन नूं पसंद करेंगे ते जदों लोग उहनां दे जीवनां नूं पसंद करेंगे लोग संसार दे लोग तुहाडे जीवन नूं देख के जिस दी तुसी भक्ति करदे हो परमेश्वर दी उस दी महिमा करदे नहीं हो तो लोग सच्चे जिंदे परमेश्वर दे कोल जेकर तुहाडा जीवन भी संसार दे लोकां दी तरह होया उस तरह तुसी सारे कम्मां नूं करो तां लोग तुहाडे जीवन नूं देख के की बरकत पाणगे ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀ ਅੰਗੂਰ ਕੀ ਬਾਰੀ ਮੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਕਾ ਪੇੜ ਲਗਾ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ उस स्वामी नो सी आत्मिक तौर ते कह सकदे आ साडा पिता परमेश्वर किसी इंसान दा जिहड़ा अंगूर दा बाग बगीचा सी यानी कि अंगूर दा जिहड़ा बगीचा सी यानी कि इसनू आत्मिक तौर ते असीं कह सकदे आ परमेश्वर दी है दुनिया परमेश्वर दा संसार किसी इंसान दा एक अंगूर दा बगीचा यानी कि परमेश्वर दे संसार दी गल कीती गई है पर
की किता। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। परमेश्वर इस संसार दे विच एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंजीर दे पेड़ का मतलब विश्वासी लोग, प्रभु दे लोग जड़े परमेश्वर नूं मनदे ने। संसार दे विच धरती ते परमेश्वर ने उन्हां विश्वासी जनां नूं रख्या होया है। जिवें कि इस सृष्टि की शुरुआत तो लैके लखां करोड़ां अरबां खरबां लोग जिहड़े परमेश्वर दे पुजारी ने परमेश्वर नूं मनदे ने। यानी कि परमेश्वर ने इस संसार दे विच अंजीर दा पेड़ लगाया, यानी कि विश्वासी लोकां नूं रख्या। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। देखो ओ स्वामी की होया, एक दिन अंगूर दे बाग बगीचे विच फल लभण लई आया, यानी कि उस अंजीर दे वृक्ष तो फल लैण लई आया, पर लिखिया उसनूं कोई भी फल नहीं मिलिया। मैं इहदे विचों कुछ गल्लां तुहानूं लास्ट डिटेल नाल दस्सांगा। देखो परमेश्वर जड़ा साडा विश्वासियां दे जीवन विच फल लैण लई आंदा है, पर लेकिन परमेश्वर नूं कोई फल नहीं मिलिया। विश्वासी दे जीवन तो परमेश्वर नूं कोई भी फल नहीं लभिया। यानी कि अंजीर दा वृक्ष एक किस्म दा बांझ वृक्ष सी। ओ बांझ वृक्ष किहनूं कहिंदे ने? जिहड़ा फल नहीं देंदा, जिहनूं फल नहीं लगदे। एक किस्म दा अंजीर दा वृक्ष जिहड़ा कि बांझ वृक्ष सी। यानी कि परमेश्वर ने संसार विच अपने कहलाण वाले कुछ विश्वासी जन ऐदा दे मिले जिहड़े फल नहीं देंदे सी। लिखिया कि ओ स्वामी जिहड़ा कि फल लभण लई आया पर ओनू फल नहीं मिलिया। इहदा मतलब कि परमेश्वर नूं अपने जीवन तो जो महिमा मिलनी चाहीदी सी ओह नहीं मिली। यानी कि उन्हां विश्वासियां दे जीवनां तो परमेश्वर दे नाम नूं उच्चा नहीं कीता गया। जदों स्वामी अंजीर दे वृक्ष तो फल लैण लई आया ओनू फल कोई नहीं मिलिया, तां स्वामी ने की कीता? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख। देखो स्वामी ने बारी दे रखवाले नूं कहा, यानी कि परमेश्वर ने स्वामी ने जिहड़ा इस बगीचे दा रखवाला रख्या होया सी उस नूं आके की कहा? ए रखवाला किहनूं दर्शांदा है? प्रभु यीशु मसीह नूं। प्रभु परमेश्वर ने जो अपने लोकां दे जीवन च फल नहीं पाया तद परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे संसार दा रखवाला है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह नूं रखवाले नूं की कहा? देख, तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। देखो स्वामी इस रखवाले नूं की कह रहा है? तीन सालां तों मैं इस वृक्ष विचों फल लैबल नहीं आना वा। इहदा मतलब कि स्वामी हर साल जिहड़ा कि उहदे च फल लभण लई आंदा सी। स्वामी ने रखवाले नूं की कहा? परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह नूं रखवाले नूं की कहिंदा है? इस वृक्ष दे विच मैं तीन सालों तों फल लभण लई आना वा। यानी कि तीन सालों तों मैं इस विश्वासी नूं देख रहा हां कि कोई फल नहीं देंदा। तू हुण इहनूं की कर? इहनूं कट दे। की कर दे? हुण कट दे। स्वामी ने यह नहीं कहा कि हुण इहनूं तूं खाद दे, चंगे तरीके नाल पानी दे, बस इहनूं हुण की कहा? कट दे, इहनूं जमीन तों मिटा दे, क्योंकि मैनूं कोई भी फल नहीं दे रहा। परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? उसने
देखो परमेश्वर नु उस दे वृक्ष तो जीव दे वृक्ष तो की लग्या सी परमेश्वर स्वामी नु ना गुस्सा आया स्वामी ने देखा कि देखो एक खाद भी नु मिल रही है पानी भी मिल रहा है धूप भी मिल रही है इनु हवा भी मिल रही है ये जमीन नु रोके होया है जिस कम लई मैं इनु भेजा सी लगाया सी मैं तो फल लेने लगा कि मेरे नाम नु उच्चा करे अरे फल तो दे ली इसलिए हुने नु कट दे ताकि इस धरती ते जगह क्यों रोके गए परमेश्वर नु मनन वाले लोग परमेश्वर दे कहलान वाले लोग आज परमेश्वर नु इस धरती दे बोझ जाप दे रहे किन्ने लोका ले किन्ने विश्वासियां ले परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह उस रखवाले नु कहंदा है कि इनु कट दे इनु इस जमीन तो खत्म कर इस दी जगह नु खाली कर इनु मैं 2020 साल देता सी फिर भी इसने मेरी महिमा नहीं फिर भी इसने मेरे फल नहीं फिर भी इसने मेरी सेवा नहीं फिर भी इसने मेरा काम नहीं फिर भी इसने मेरे लिए कोई समा नहीं करता इस धरती ते भी बोझ बनिया होया जगह क्यों कह रहे हो इन 2021 का साल नहीं देना परमेश्वर ने रखवाले नु ऐ क्या अपने पुत्र यीशु मसीह रखवाले नु ऐ क्या पर साडा रखवाला साडा प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है पिता दे गुस्से नु घट करदा है पिता दे गुस्से नु ठंडा करदा है पिता नु कितनी मीठी आवाज च कहंदा है देखो की जवाब दिंदा रखवाला कि हे स्वामी इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसे चारों ओर से खोद कर खाद डालूं स्वामी को बाकी क्या कह रहा है देखो आज रख खवाला है स्वामी नु की कह रहा है स्वामी को की कह रहा है स्वामी नु हे स्वामी इनु एक साल होर रहन दे तुसी इनन 2018 दा साल दिता 2019 दा साल दिता 2020 दा भी साल दिता एक साल इनु होर दे 2021 ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਖ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਖੋਦ ਕਰ ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਖੋਦ ਕਰ ਖਾਦ ਡਾਲੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਐ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਦ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਝ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਦੇਖੋ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 2020 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ
साल 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇੜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹ ਖਾਮ ਖਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਖਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਲ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਫਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਜਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਰਚ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਵਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ
एक एक पल चेक करता है। साडिया जड़ी अखा है निगाह जड़ी सिर्फ कुछ कुछ जगह नु देख सकती है पर उस दिया निगाह जड़ी है चारों तरफ दृष्टि विच देखती है। परमेश्वर एक एक इंसान दे कम्मा दे निगाह रखता है, एक एक व्यक्ति दी सोच विचार ते निगाह रखता है, एक एक व्यक्ति दी आदत उते निगाह रखता है, एक एक व्यक्ति दी बोल वाणी ते निगाह रखता है। तुसी किस सोच नु लेके चर्च च जाते हो? बेशक असी कई बार नहीं पहचान पर परमेश्वर एक सेकंड च पहचान लेता है। जेकर असी किसी स्वार्थ नु लेके जेकर असी मन विच रखिया साडा स्वार्थ जदों पूरा हो गया असी चर्च जाना छड्ड देना है। सानू परमेश्वर पहचान याद रखो तुहाडे जीवन च फल लैण लई जरूर आंदा है। चाहे तुसी पढ़न वाले बच्चे हो, चाहे तुसी ड्यूटी करन वाले इंसान हो, चाहे तुसी कारोबारी हो, चाहे तुसी घर विच कम करन वाली औरतां हो, याद रखो चाहे तुसी भारत विच रहंदे हो, चाहे तुसी विदेशां विच, एक एक नूं परमेश्वर चेक कर लई आंदा। इस वृक्ष दे स्वामी ने की कहा, मैं हर साल चक्कर ले आना, हर साल चक्कर ले आना, मैं उन्हें जो फल नहीं मिलता। परमेश्वर दे लोगों परमेश्वर तो आनू भी चेक करता है कि तो उन्हें इतनी पढ़ाई लिखाई देती किस लिए, इतनी डिग्रियां कराइयां किस लिए, इतना कारोबार दिता किस लिए, इतनी चंगी ड्यूटी देती किस लिए, इसलिए कि तुसी बहुत वधिया दिमाग रखते हो, इसलिए कि तुहाडे पापा ने तुहाडे जिहड़े दुनियावी पिता ने बहुत तुहानू पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं है ए उसदी दया। उसने किस लिए तुहानू पढ़ाया लिखाया कि तुसी उहदे बहुत वड्डा काम कर सको, उहने तुहानू इन्नी वड्डी ड्यूटी इसलिए दित्ती कि तुसी उसदे काम आ सको, वो तुहानू चेक करता है कि तुसी अपनी ड्यूटी के द्वारा उसनू कितनी महिमा देंदे हो, ते किन्ने अपने घर दे काम, किन्ने लोकां दे कोल अपने घर दा काम करन लई तां समां है, किन्ने लोकां दे कोल अपनी पत्नी लई अपने बच्चां लई अपने घर दे लई समां है, किन्ने लोकां कोल अपने घर बनाने लई खूब समां है, पर अफसोस की गल कि उन्हां कोल प्रभु दे लई समां है। परमेश्वर तुहानू चेक करता है, परमेश्वर की अखा तुहानू देख रही है। देखियो इब्रानियो 4 दे 13 आयत की लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हम जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। देखिए कि उनकी अखा के सामने सब कुछ खुलिया ते बेपर्दा है। तुसी ऑफिस बंद करके घर बंद करके अपना मेन गेट बंद करके की करते हो कोई नहीं जानता, बंद करके की गल्ला करते हो कोई नहीं जानता, पर याद रखो उनकी अखा तो कन्ना तो कुछ भी छिपिया नहीं है, उसके अभिषेक सेवका तो कुछ भी छिपिया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम चेक कर दिया गया, किसी पाए जाते हो तुसी उनकी नजर च किद्दां दे पाए जाते हो। हालेलुया, खास पॉइंट है, पहला खास पॉइंट है, दूसरा खास पॉइंट है। देखो स्वामी ने वाले नु की किया, इस वृक्ष नु मैं 3 सालों तो चेक करता रहा पर मैनु इहदे च कोई फल नहीं मिलता। इसका आत्मिक मतलब है, परमेश्वर दे लोको परमेश्वर सानू किन्ने सालों तो जड़ा चेक कर रहा है, किन्ने लोगों नु 1 साल तो चेक कर रहा है, किन्ने लोगों नु 2 साल तो चेक कर रहा है, किन्ने लोगों नु 3 साल तो चेक कर रहा है, किन्ने लोगों नु 4 साल तो चेक कर रहा है, किन्ने लोगों नु 5 साल तो देखदा आ रहा है।
स्वामी ने उस रखवाले नु किया, बस मेरे तो होर देखा नहीं, मैनु 3 साल इस नु चेक करदे करदे हो, और मैं होर नहीं देखना चाहता। कई कई लोगों परमेश्वर दे लोगों तुहाडा अखीरला साल दा नहीं, परमेश्वर दा गुस्सा किसी भी समय पड़ सकता। किते जड़ा कि स्वामी अपने रखवाले नु इस तरीके नाल तां नहीं कहेगा कि बस मैनु इस नु चेक करते करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, पर मैनु इस तो फल नहीं, इस मेरे विश्वासी जन तो मैनु कोई भी फल नहीं, इन मैं चंगी पढ़ाई लिखाई दी, चंगी मैनु ड्यूटी दी, चंगा इनु व्यापार दिता, चंगा इनु घर दिता, चंगा इनु जीवन साथी दिता, पर इसने मेरे मनाम नु महिमा नहीं दी। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤ ਕਹੇਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ 2020 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, परमेश्वर दे लोको हो सकता है परमेश्वर तो 1 साल तो 2 साल तो 3 साल तो चेक कर रहा है, पर रखवाला प्रभु यीशु मसीह तुहाडे लिए बिनती कर रहा है। देखो स्वामी ने रखवाले नु की किया सी, तीसरा खास पॉइंट की है कि नु कट दे, फिर की कर दे, कट दे, मैं होर चेक नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने रखवाले नु किद्दा क्या दुखी होके क्या परेशान होके क्या उसके कम्मा नु चेक करके क्या कि देखो ये पेड़ पानी भी खूब ले रहे, पेड़ मेरे तो हवा भी खूब ले रहे, पेड़ खाद भी खूब ले रहे, ले तो सारा कुछ ही रहा, ये सारी सुविधावां ले रहा है, पर मैनू इहदे तो फायदा कुछ भी नहीं, इहनू खत्म कर दे, इहदे कारोबार नू खत्म कर, इहदी ड्यूटी नू खत्म कर, इहदे परिवार नू खत्म कर, मेरे लिए बोझ जापदा इस धरती ते, हालेलुया। परमेश्वर ऐदा दे इंसानां नू विश्वासी नू इस धरती ते बोझ समझदा है, जड़े परमेश्वर नू फल नहीं देंदे, जड़े परमेश्वर लई कोई भी फल नहीं लैंदे, जड़े परमेश्वर दे नाम नू महिमा नहीं देंदे, परमेश्वर उहनां नू इस धरती ते बोझ समझदा है, परमेश्वर फिर उहनां नू कट्टण लई कह देंदा है कि मैंने 1 साल समझाया, 2 साल समझाया, 3 साल समझाया, मेरे सेवक ने 1 बारी समझाया, 2 बारी समझाया, 3 बारी समझाया, ऐ पर समझन वाला नहीं, इनू कट दे, इनू खत्म कर दे। पर इन्हें चौथा खास पॉइंट की है, साडे रखवाले ने साडे लई बिनती करदे होए की किया, साडे रखवाले प्रभु यीशु मसीह ने बिनती करदे होए पिता नु की किया, पिता इस नु 1 साल होर दे, सच बोल रहे हैं, बेशक तुसी सच कह रहे हो, तुसी ठीक कह रहे हो, इस नु तुसी 3 सालां तो चेक कीता, इन तुसी 4 साल तो चेक कीता, तुसी 2 साल तो चेक कीता, मैं मनदा वा कि सुधरिया नहीं, मैं मनदा कि सुधरे नहीं, पर रखवाला प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा दयालू अपने पिता नु की कह रहा है, मैं मनदा कि इन्हां ने चर्च आना शुरू नहीं किया, मैं मनदा कि संडे चर्च लई समां नहीं करदा, मैं मनदा कि ऑनलाइन सर्विस अटेंड करन लई समां नहीं करदा, मैं मनदा कि प्रार्थना लई समां नहीं करदा, मैं मनदा कि वचन नहीं पढ़दा,
मैं मानता कि तेरे सेवका ने बार बार समझाने दे नाल बपतिस्मा नहीं लेता मैं समझता कि बार बार तेरे सेवका ने समझाने दे नाल प्रभु भोज नहीं लेता मैं मानता कि साल में दो तीन चर्च बदल देता मैं मानता कि पिता इन गलतियां हैं पर रखवाला प्रभु यीशु मसीह अपने पिता नूं की बिनती कर जिदा पिता तुसी इन्हां नूं 2020 दा साल दिता एक साल बस एक साल 2021 दा साल होर दे दे मैं मंदा कि 2020 दे साल भी तुहानूं कोरोना तो बचाया मैं मंदा कि 2020 दे साल विच तुहानूं एक्सीडेंट तो बचाया मैं मंदा कि पिता तुसी 2020 दे साल विच नूं बीमारी तो बचाया पर पिता बस एक साल होर दे दे 2021 दा साल होर दे दे 2021 दा साल प्रभु यीशु मसीह दयालु पिता ओ नहीं चाहुंदा किसे नूं कटिया जावे ओ नहीं चाहुंदा किसे दी जगह खाली कीती जावे ओ चाहुंदा कि सब फल लंदे चले ओ चाहुंदा कि सब तरक्की करे ओ चाहुंदा कि सब फल देने वाले बन जाए सबके जीवन से मेरे पिता को महिमा मिले ओ चाहुंदा कि सारे जीवना तो मेरे पिता नु महिमा मिले प्रभु यीशु चाहुंदे कि साडे परिवार तरक्की करदे परमेश्वर नहीं चाहुंदा प्रभु यीशु मसीह की तुसी कोर्ट कचहरी दे चक्कर च पै जाओ प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं चाहता कि तुसी जेलां दे विच जाओ प्रभु यीशु नहीं चाहता कि पुलिस तुहाडा पीछा करे ऐ किद्दां हो सकदा बब्बर शेर के बच्चे का पुलिस पीछा करे ऐ किद्दां हो सकदा बब्बर शेर के बच्चे नूं कोई पकड़ के जेल विच बंद करे ऐ किद्दां हो सकदा बब्बर शेर के बच्चे नूं कोई तंग करे बिल्कुल नहीं हो सकदा प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं चाहता नहीं तो अपने पिता नूं बिनती कर रहा पिता एक साल होर दे दे अज 27 दिसंबर का संडे है प्रभु यीशु अपने पिता नूं बिनती कर रहा पिता बस एक साल इन होर दे दे हालेलुया और एक चीज होर देखो ये जरा वृक्ष है वृक्ष अपने तो ठीक जी रहा है अपना पेड़ का पालन पोषण तो कर रहा है अपना गुजारा तो ठीक कर रहा है और जमीन तो पानी भी ले रहा है खाद भी ले रहा है हवा भी ले रहा है ये देखो इस पेड़ तो इस वृक्ष तो किसी कोई नुकसान तो नहीं है किसी को नुकसान तो नहीं देता किसी का बुरा भी नहीं करता फिर स्वामी ने इस वृक्ष तो तकलीफ की ध्यान दे नाल सुनो प्रभु दे लोको ए पेड़ जिहड़ा वृक्ष अपनी जिंदगी दा जी रहा है अपने पेड़ दा गुजारा कर रहा है दूसरे दा कोई नुकसान नहीं फिर उस बगीचे दा जिहड़ा स्वामी है उसने इस वृक्ष तो तकलीफ भी की है हो सकदा है वृक्ष दूसरे नूं छाया देंदा स्वामी का गुस्सा इस वृक्ष से क्यों पड़ रहा है स्वामी क्यों कह रहे रखवाले नूं कि इस नूं कट दे स्वामी नूं दिक्कत की है स्वामी नूं प्रॉब्लम एक है स्वामी ने जिस मकसद लई इस नूं धरती ते कल्लिया सी इस नूं लगाया सी कि मेरे नूं फल देगा ऐ मेरे नाम नूं महिमा देगा मेरे नाम नूं उच्चा करेगा स्वामी ने इस नूं दूसरे दी छाया लई नहीं लगाया सी स्वामी दा पहला मकसद कि मैनूं फल देवे पर जेकर ओह फल तां देंदा नहीं दूसरे नूं छाया देंदा स्वामी ने छाया नहीं देखनी ताइयों स्वामी दा गुस्सा जड़ा पड़ गया कि जड़ा मेन काम तैनूं दित्ता सी उस नूं तां तूं कर नहीं रहा दूसरे काम तूं करी जांदा है परमेश्वर ने इंसान नूं जन्म
दे के इस धरती दे जिस मकसद लिए भेजे आए जेकर अपने परमेश्वर दा ओ काम तां करदा ने परमेश्वर दे नाम नूं तां चकरदा ने परमेश्वर दे नाम तां महिमा देंदा ने परमेश्वर दे नाम तां फल देंदा ने जेकर ओ परमेश्वर लिए फल तां लैंदा ने सिर्फ अपने लिए जिंदगी जिंदा है परमेश्वर तुहानूं पसंद नहीं करे कई लोगों नूं परमेश्वर अपने काम लिए अपनी सेवा लिए इसलिए कई लोगों नूं परमेश्वर चंगी पढ़ाई लिखाई भी इसलिए कराता है देखो परमेश्वर ने मैनूं कितनी पढ़ाई लिखाई कराई किस लिए कराई मैं चंगी ड्यूटी भी कर सकता मेरे कोई ड्यूटी दे चांस घट पर परमेश्वर ने मैनूं जिन्नी स्टडी कराई मैं उसदे नाल परमेश्वर की महिमा कीती स्टडी के द्वारा परमेश्वर की महिमा किन्ने लोगों परमेश्वर किन्नी वधिया चंगी स्टडी करवाता है पर बच्चे की सोचते प्रभु ने जो मैनूं स्टडी कराई वो मेरे अपने लिए कराई किन्ने लोगों परमेश्वर चंगी ड्यूटी देती है किन्ने लोगों की तनखा 20,000 40,000 50,000 होती किस लिए ड्यूटी देता नहीं चंगी इज्जत की ड्यूटी क्यों देता है ना कि तुसी उस दे लई फल लै तुसी उस दी सेवा करो तुसी उस दे नाम नूं उच्चा करो तुसी उस दे काम आओ तुसी उस दे लोकां दे काम आओ तुसी उस दे सेवकां दे नाल मिलके उस दे काम नूं अग्गे वधाओ पर कई लोग की सोचन लगे जिहड़ी मैनूं ने चंगी ड्यूटी मिली मेरे परिवार लई इस पेड़ दे लई कई लोग अपने लिए जिंदगी जींदे कदे मैनूं नहीं चंगी ड्यूटी मिली मैं डॉक्टर की पदवी देआं मैं पुलिस की पदवी देआं मैनूं इन्ना वधिया रैंक इस लई मिलिया इह तां रैंक परमेश्वर ने मैनूं मेरे परिवार लई ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा करां ताकि मैं अपने परिवार नूं अगे वधावां अपने बच्चे नूं चंगी स्टडी करावां जिन्नी मैनूं ड्यूटी की तनखा मिलती मैनूं तां चंगी वधिया कोठी बना ए वृक्ष भी तां अपने लिए जिंदगी जी रहा सी हो सकदा है इस वृक्ष की तरह तुसीं दूसरे नूं छाया दिंदे हो तुसीं दूसरे की मदद करते हो तुसीं अपनी ड्यूटी ते किसे दा भला करते हो तुसीं अपने पड़ोसियों का भला भी करते हो पर याद रखना है दित्ती की छाया तब तक कम नहीं आएगा कई लोगों का किता गया पला तब तक कम नहीं आएगा जब तुसी उस स्वामी दे दित्ते गए मेन काम नु पूरा नहीं करते जब तुसी स्वामी दे मेन काम नु चले पूरा नहीं करते उच्चा नहीं होते नाम जब तुसी स्वामी दे नाम नु फल नहीं देते तब तक स्वामी जरा दूसरे दित्ती की छाया दे नाल खुश नहीं होवेगा वृक्ष सोचता मैं छाया खूब देना वा देखो मैं किसी का भला तो करना वा पर स्वामी ने उसकी छाया नहीं दी स्वामी ने देखा कि जरा मेरा मेन काम है तो कर नहीं लिया कुछ मसीह दे लोग विश्वासी लोग ऐदा दी जिंदगी जींदे ने जिवें वृक्ष जिंदगी जी रहा सी इस तरीके दी लोग जिंदगी जींदे ने ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਬਾਈਕ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ स्वामी ने जिस काम ले सानू कल्या भेजिया उस काम नु सोचो सब तो पहला स्वामी ने तुहानू भेजिया कि तुसी मेरे लिए फल लेके आओ पर किन्ने लोग अपनी ड्यूटी ते ने बिजी ने अपनी ड्यूटी ते ने व्यस्त ने अपने
परिवार अपने बच्चों के नाल ने व्यस्त ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਨ ਤੋਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਰਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਇਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਇਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਕਵਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਨਾ ਦਿਵਾਓ ਇਸਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਕਵਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦੇ ਇਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭੜਕ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਸ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕੀ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪੱਖਾ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਿਆ ਚੱਲ ਪੈ ਚੱਲ ਪੈ ਚੱਲ ਪੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ
ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਖਰੀਦੀ ਭੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਆਈ ਭੈਂਸ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਾਲੀ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਪੇੜ ਤੋਂ ਵਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਖਾਦ ਡਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਕੁਲਹਾੜਾ ਪੇੜੋਂ ਕੀ ਜੜ ਪਰ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਪੇੜ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਵਾ ਕਾਟਾ ਔਰ ਆਗ ਮੇਂ ਝੋਂਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇੜ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਪੇੜ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਵਾ ਕਾਟਾ ਔਰ ਆਗ ਮੇਂ ਡਾਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਕ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਕ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਗੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਗ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 43 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਹੁਆ और हमारे देखने में अद्भुत है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा परमेश्वर एक गल अपने विश्वासी लोगों को कह रहे हैं जेकर तुम मेरे लिए फल नहीं दोगे तुम्हारे तो राज जड़ा ले लिया जाएगा उस जाति को दे दिया जाएगा उस जाति के लोगों को दे दो जड़ा उनके लिए फल लिया ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਸੀ ਯਹੂਨਾ 15 ਦੇ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸੀ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ
कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखो प्रभु यीशु रखवाला की कहता है, मेरे पिता की महिमा ऐसे तो होती है कि तुसी बहुत सारा फल ले आओ, चाहे पढ़ने वाले बच्चे तुसी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुसी ड्यूटी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुसी सेवा कर रहे हो, चाहे प्रचार कर रहे हो। परमेश्वर कहते मेरे पिता की महिमा ऐसे नाल होती है कि तुसी बहुत सारा फल ले आओ। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बहुत सारा फल ले आओ, इसलिए चुनिया गया परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर तुम चर्च लैके आता है, संगत लैके आता है, या ऑनलाइन सर्विस अपने घर बैठे अटेंड कर रहे हो, तुम पता है कि परमेश्वर ने तुम किस लिए चुनिया? इसलिए कि तुम बहुत सारा फल ले आओ, इसलिए कि तुसी परमेश्वर के नाम को जगह जगह फैलाओ। पर जेकर तुसी मेन काम तो कर दे नहीं, तुसी बाकी सारे दुनिया के काम कर रहे हो, उस पेड़ की तरह सिर्फ अपने ही पेट नूं भरदे रहो कि बस मैं 10,000, 20,000, 40,000 रुपए तनखा मिल गई। कई लोग तो अपने आगे का प्लान बना के रखते, अगले महीने 40,000 तनखा मिलेगी और ऊपर का लेंटर पाऊंगा, उस तो अगले महीने मैनू तनखा मिलेगी मैं एक्टिवा खरीदूंगा, उस तो अगले महीने तनखा मिलेगी मैं चर्च 500 रुपए चंदा दूंगा। जब वो लिए बहुत थोड़ा कुछ, अपने लिए सारा कुछ। याद रखो ये वृक्ष वाली जिंदगी जी रहा है, वृक्ष भी अपने ही जीवन जीता, पर स्वामी का गुस्सा पड़ गया। जब असीं रोमियो 11 अध्याय की 22 आयत देखते हैं, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, ये तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। जेकर तू भी उस बनिया नहीं रहेगा, तू भी कट दिता जाएगा। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, दाम दे के मोल लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून बहा के तुम खरीद लिया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जिन्ना इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, चाहे शरीर परमेश्वर की सेवा करो, फिर वो परमेश्वर तुम बीमारी के बिस्तर से क्यों पाएगा? फिर परमेश्वर तुम किसी केस क्यों फसाएगा? परमेश्वर तुम्हारे पिछले दुश्मनों को क्यों लगाएगा? जीवन परमेश्वर महिमा देने वाला है, परमेश्वर को परेशानी क्यों पावेगा? परमेश्वर सारे जने कह दो कि परमेश्वर मेनु फल देने वाला बना, मेनु नवा बना दे परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन तो तुहानू महिमा मिले। प्रभु जी मैं सब तो ज्यादा तुहानू महिमा देना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी काम हो मेरे लिए दूसरे नंबर पर हो, मेरे परिवार का काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर होगा, पहले नंबर पर परमेश्वर तेरा काम करेगा, पहले नाम से मैं तेरे नाम को महिमा दूंगा। प्रभु का साल तो साल तुम देता रहे, पर कि असी भी उसको कुछ देने, कि असी भी उसकी पसंद का जीवन जीते, तो जीवन के एक एक काम से एक एक गादत तो परमेश्वर।
परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। परमेश्वर के लोगो जेकर ऐदा नहीं करोगे परमेश्वर के लोगो एक दिन कट दिते जावो तैयार हो जाओ कटन लिए फिर तैयार हो जाओ जेकर तुसी अपने जीवन दे परमेश्वर नु फल तो दे नहीं रहे फिर अपने बच्चियां दा नाम बाइबल च क्यों रख दियो फिर गले विच क्रॉस पाउन दा कोई भी फायदा नहीं मिलेगा बाइबल च अपने बच्चियां दा नाम रखना कोई फायदा नहीं बाइबल से रखे गए नाम नु स्टीफन नु पत्रस नु जड़े की ये जेल में बंद देखे देखा है परमेश्वर शर्म नहीं करेगा कि इनका नाम स्टीफन है मेरे बाइबल च रखा गया नु जेल च नहीं भेजना परमेश्वर नहीं देखेगा कि इनका नाम मरी मैं जेल च बंद ना परमेश्वर ए देखेगा कि मेरे नाम नु ऊंचा करता है परमेश्वर भी नहीं देखेगा कि गले विच क्रॉस है जेल इस ना परमेश्वर नहीं देखेगा इन्हें सफेद कपड़े पगवे कपड़े पाए जेल इस ना जेकर परमेश्वर तुहाडे जीवन तो महिमा नहीं मिलती ते तुसी परमेश्वर दे नाम नु फल नहीं दे परमेश्वर ने ना तो नाम देखना कि उन्हें वचन चो बाइबल चो रखा गया ना तो कपड़े देखने कि तुम चिट्टे पाके चलते हो तो ना ही किसी होर चीज नु परमेश्वर ने देखा सोच कर देखिए जरा सोच के देखो परमेश्वर ने जो कुछ भी तुम दिता उसके परमेश्वर की फायदा परमेश्वर तुम चंगी कोठी दी परमेश्वर की फायदा की कभी उस कोठी विच उस घर विच परमेश्वर दे सेवकां नूं बुला के कभी बंदगी कराई की कभी चर्च दी टीम नूं बुला के कभी अपने कोठी अपने घर विच विजिट कराई तुहानूं परमेश्वर ने इन्नी वड्डी कोठी दित्ती तुहानूं परमेश्वर ने इन्नी वड्डी कार दित्ती एक चंगा स्कूटर दित्ता परमेश्वर नूं की फायदा की कभी उसनूं परमेश्वर दे काम लई लगाया परमेश्वर ने तुहानूं ड्यूटी चंगी दित्ती हो सकदा तुहाडी तनखा 10,000 20,000 50,000 लख रुपया होवे की परमेश्वर नूं की फायदा की परमेश्वर दी महिमा कितनी उस ड्यूटी दे तुहाडे परमेश्वर दे वचन पूरा करदे होए दसवांश कड्या कदे उस ड्यूटी दे नाल नाल परमेश्वर दी सेवा लई समा कड्या कदे सेवकां नूं पुछिया कि मैं अपनी ड्यूटी तो बाद पासे सेवा करन लई आना चाहना परमेश्वर तुहाडे बच्चे नूं विदेश भेजा विदेश दा वीजा लगाया परमेश्वर नूं की फायदा परमेश्वर उत्ते चंगा पैसा तुहानूं दिलवाया चंगी ड्यूटी चंगी तनखा दिलवाई परमेश्वर नूं की फायदा तुहाडा बच्चा विदेश जाके प्रार्थना नहीं करदा वचन नहीं पढ़दा उहदा सेवकां नूं फोन करके कदे प्रार्थना नहीं करदा परमेश्वर नूं की फायदा परमेश्वर ने चंगी तुहानूं संतान दित्ती चंगा उहदा शरीर दित्ता परमेश्वर दा तुहाडे बच्चे दा फिर की फायदा ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਕੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਗਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਧੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੜ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਫਲ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਲਾਓ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲ ਲਿਆਓ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਾਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ ਪੜੋਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ
गुजारा कर जिन्हों अपने परमेश्वर के कामों लिए कोई भी मतलब नहीं जिन्हों परमेश्वर को खुश करने का कोई भी मतलब जिन्हों परमेश्वर को फल देने का कोई मतलब आने वाले समय में आने वाले सालों में परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों पर बहुत पड़ कर खास उन लोगों उत्ते जो परमेश्वर के कहला के परमेश्वर के नाम नु महिमा नहीं देंदे प्रभु यीशु ने कहा सच्ची दाखल दा मैं वां ते मेरा पिता जड़ा किसान है जड़ी डाली मेरे विच है ते नहीं फलदी ओनू मेरा पिता कट देता ते जड़ी डाली मेरे विच है ते फल देती है ओनू मेरा पिता छांटदा ताकि ओ होर फले जो कुछ पत्ती मेरा कहलाता है जड़ा कोई इंसान मेरा कहलाता है प्रभु यीशु ने कहा जड़ा इंसान जड़ा विश्वासी मेरा कहलाता है ते मेरा कहला के मैनू फल नहीं मेरे पिता दे नाम नु ऊंचा नहीं करता मेरे पिता दी महिमा नहीं करता अपने जीवन दे द्वारा अपनी सोच विचारा दे द्वारा अपने कम्मा दे द्वारा अपनी पढ़ाई लिखाई दे द्वारा अपनी ड्यूटी दे द्वारा अपने बिजनेस दे द्वारा एक ना एक दिन पिता दा क्रोध पड़केगा रखवाले नु कहेगा प्रभु यीशु नु कहेगा अपने एक लौते पुत्र नु इनु जमीन पर तो खत्म जमीन विच भी जगह क्यों इस समय सारे जने अपने अखां नु बंद कर लो तुसी परमेश्वर दी वचन नु सुनिया है प्रभु दा आत्मा प्रभु दी गल्लां नु प्रगट करदा है परमेश्वर ने साडे नाल गलबात कीती है ऐसे समय सोचो पश्चाताप करो अपने अपने दिलों में सोचो प्रभु जी तुसी मैनूं बीते साल दित्ते मैंने बीते साल भी संभालिया मैंने 2020 साल दे विच कोरोना की बीमारी तो बचा के रखिया तेरे एहसान मेरे ते बहुत ने पिता पर प्रभु जी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया तू मेरे नाल वफादार बनिया रहा तू मैनू अपने बगीचे विच हुण तक बना के रखिया पर प्रभु जी जो मैनू तेरे लिए फल लेना चाहिए से नहीं लिया पाया मैं तेरे वचन सुनिया आज तोबा करदा वा इस समय पश्चाताप करदा सच्चे दिल तो माफी मैं तेरे नाम नु ऊंचा नहीं कर पाया मैनू माफ कर दे और मैं प्रॉमिस करदा प्रभु जी कि प्रभु जी यीशु जी तुसी मैनू एक साल होर दिलवा दियो 2021 का साल होर दिलवा दियो मैं इस साल भी बड़ी मेहनत करांगा बड़े तेरे काम आऊंगा प्रभु तेरे नाम नु फैलावांगा प्रभु तेरी सेवा नु वधावांगा तेरे काम नु वधावांगा प्रभु तेनु बहुत सारा फल लिया के दवांगा तेनु माफ कर दे मैनु बदल दे प्रभु मैं बदल के 2021 दे विच प्रवेश करना चाहता हूँ मैं नया बन के अंदर जाना चाहता हूँ मैंने 2021 का साल दे दे मैंने एक साल होर दे दे प्रभु मैंने एक साल दे के होर परख लिया प्रभु जे मैं अगले साल बदलिया तो ठीक नहीं तो मैं कट देना पर मैंने एक साल दे दे हालेलुया प्रभु का आत्मा दया ने किन्ने लोगों के हिरदे जड़े बदल रहे किन्ने लोग बदल रहे किन्ने लोग सच्ची तौबा कर रहे हैं यीशु के नाम में पिता उन सारे बड़ी बरकत दे दो जिन्ने भी लोग अपने हिरदे नु अज बदल रहे हैं जिन्ने लोग ये गल कबूल करते प्रभु जी इस साल का असि फल दे नहीं पाए दे पर अगला साल सानू दे दियो असि जरूर फल देवांगे तेरे नाम
होके बतावांगे, तेरे वचन तोड़ांगे नहीं प्रभु, तेरे वचन खुद भी पूरा करांगे, दूसरे को भी पूरा करांगे, दूसरे को भी वचन सिखाएंगे, दूसरे को भी सही रस्ते पे चलना सिखाएंगे, दूसरे को भी तेरे वचन बारे दसांगे, दूसरे को भी गवाही देंगे, प्रभु जी उन्होंने सारे जीवन पूरा नहीं करेंगे, ओ पिता जी जगह नवे साल 2021 भी तेरी मर्जी नु नहीं पूरा करोगे, अगले साल भी परमेश्वर तेरे लिए फल नहीं ले, अगले साल भी तेरे नाम की महिमा नहीं करेंगे, 2021 साल दे विच तेरे नाम नु महिमा नहीं देंगे, तेनु समा नहीं देंगे, काट देना पिता, काट देना पिता, एक साल और दे दे, एक साल हो दे दे, एक वर्ष और दे, सब सुनने वालों पर कृपा करो प्रभु, सारे सुनने वाले पे कृपा करो, सारी लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान की कलीसिया च बड़ी आशीष देना, सारी दुनिया की कलीसिया दी आशीष प्रकट ताकि प्रभु जी तुहाडी दित्ती गई बुद्धि दे नाल इस देश नू चला पावे, सारे देश में सुख शांति अमन चैन बनिया रहे, अपनी मर्जी के अनुसार हल कर दियो, किन्ने हजारा हजारों किसान लोग खुद जिधर दिल्ली में ठंड में खुदावंद उत्थे बैठे हुए ने, कृपा करो प्रभु ताकि उनका मसला खुदावंद यीशु के नाम में तुम्हारे वचन अनुसार ठीक तरीके से हल हो, दुनिया च आशीष दे, सब जगह तो कोरोना का खतरा खत्म हो, वो पिता परमेश्वर ने पहला कोरोना गया नहीं सी, दूसरा कोरोना जड़ा कि इंग्लैंड में उठ गया प्रभु, पहले कोरोने की दवाई आई नहीं और दूसरा कोरोना फिर तो इंग्लैंड देश से उठ गया प्रभु, प्रभु जी कृपा करो अपनी जनता, आखिरकार प्रभु जी जनता प्रजा तुहाडी दा, ऐ सारे बाग बगीचे च पेड़ पौधे तुहाडे लगाए हुए ने, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म दे क्यों ना, सब पे कृपा करो, सब दा ते कृपा करो, सब पे दया करो, सब ना ते दया करो, सब ना तो तौबा कराओ प्रभु, सब किसम तेरी पसंद का जीवन जी सके, ताकि सारे सारे तुहाडी पसंद दा जीवन जी सके, अपने लिए फल देने वाला बनाओ,
ऑनलाइन सर्विस फिर तो हाजिर होने का फजल देना। वर्शिप शुरू की जाए तो मर्जी हो प्रभु जी, वर्शिप फिर तो खुदा तेरे को अपनी शुरू की जाए। प्रार्थना सुनने के लिए पिता धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए सारे जने उस दे नाम नू फल देने वाले बनन गए। आमीन आमीन। सारे जय मसीह।